एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इस घटना पर भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत दुखद है। वो एक वरिष्ठ एनडीए में नेता थे। बांद्रा इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। वो बिहार के रहने वाले थे। मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया था। दो आरोपियों को पकड़ लिया गया है, एक फरार है। शिवसेना भाजपा के राज में कोई भी हत्या करके अपराधी बच नहीं सकता। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है, ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे। वो एनसीपी अजीत पवार जो गुट है उसके नेता थे और बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे। मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। दो हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहां राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से हम सबको बहुत दुख हुआ है।